राजकुमार राव बॉलीवुड के एक बेहतरीन कलाकार है। राजकुमार फिल्मों में किरदारों को सिर्फ निभाते नहीं बल्कि उन्हें जीते हैं। शायद इसी वजह से उनके द्वारा निभाए गए हर एक किरदार को लोग याद रखते हैं। अभिनेता राजकुमार राव इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग को लेकर चर्चे में है। ये फिल्म 11 नवंबर को थिएटर्स में आने वाली है। राजकुमार की ये फिल्म कॉमेडी होगी जिसमें सस्पेंस थ्रिलर के साथ कॉमेडी क्राइम ड्रामा भी देखने को मिलेगा। राजकुमार राव के इस मूवी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर हाल ही में राजकुमार राव ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें राजकुमार राव ने अपने जीवन में कुछ अनुभव के बारे में बताया और कुछ बड़े खुलासे भी किए। राजकुमार राव ने कहा कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया कि जब मैंने हीरो के रोल के लिए ऑडिशन देना बंद कर दिया, क्योंकि जब भी मैं हीरो के रोल के लिए ऑडिशन देने जाता था तो मुझे हीरो के दोस्त के रोल के लिए ऑडिशन देने की सलाह दी जाती थी। निश्चित रूप से मुझे पता है कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, पर कई बार जब मैं ऑडिशन के लिए गया तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हीरो की जितनी चाहिए उतनी हाइट नहीं है। कुछ लोग तो मेरे बॉडी के बारे में भी बात करने लगे। कुछ लोगों को मेरी आईब्रो और बालों से भी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने लंबे समय तक हीरो के ऑडिशन के लिए जाना बंद कर दिया। राजकुमार राव ने कई वर्षों के बाद ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। इन सभी मुश्किलों का उन्होंने सामना किया और अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ते रहे, जिसका नतीजा ये है कि वो आज बॉलीवुड के क्लासिक कलाकारों में गिने जाते हैं।